हाय, दिस इज बुल इन्वेस्टमेंट और आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी की सच्चाई क्या है। आखिर क्यों बैंक निफ्टी ऊपर जाता है या नीचे जाता है? क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टर इतना काम करता है जितना हमें बताया जाता है? कई बार आपने देखा होगा, लोग बताते हैं कि ये 42,000 पे बैंक निफ्टी सपोर्ट कर गया तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, अगर सपोर्ट नहीं लिया तो यहाँ से नीचे आ जाएगा। क्या इतना वैल्यू रखता है क्या ये सब पंचायत जो रात दिन चलता रहता है, लोग करते रहते हैं? देखिए, बैंक निफ्टी चलता कैसा है या कोई भी स्टॉक या इंडेक्स या क्यों ऊपर जाता है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। और कौन है जो इसको ऊपर ले जा सकते हैं या ले जाते हैं, पहले आप ये समझिए। ठीक है, कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो, वो तभी ऊपर जाता है जब अंडरलाइन, जब अगर इंडेक्स की बात करें तो स्टॉक, अगर कोई स्टॉक में खरीदारी आएगी तो स्टॉक ऊपर जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, आप सब जानते हैं। तो अगर कोई स्टॉक के अंदर कोई खरीदारी करेगा तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर कोई इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स है उसकी अगर खरीदारी होगी तो वो इंडेक्स ऊपर जाएगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स है, अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक के अंदर अगर खरीदारी होगी तो वो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। ना कि कहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं, कहाँ पे पुट राइटर खड़े हैं, सॉरी पुट राइटर, कॉल राइटर, कौन क्या कर रहा है, उससे बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी तब ऊपर जाएगा जब एग्जैक्ट HDFC बैंक, ICICI, कोटक है, SBI है, एक्सिस है, इन सारे बैंक के अंदर अगर खरीदारी आती है, कोई बड़े पैमाने पे स्टॉक खरीदता है तो ये सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, और ये स्टॉक ऊपर जाएंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि बैंक निफ्टी ऊपर क्यों जा रहा है और कौन लेके जा सकता है। क्या कोई इंडिविजुअल इंसान ऊपर लेके जा सकता है बैंक निफ्टी? नहीं लेके जा सकता। तब उसको पकड़ने की कोशिश करिए जो इसको ऊपर लेके जा रहा है और मार्केट में हो क्या रहा है पूरा। अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स को ऊपर ले जाने के लिए जो बड़े बड़े प्लेयर है वो म्यूचुअल फंड है, LIC है, इंश्योरेंस कंपनी है, FII है, DII है, और भी कई तरह के बड़े जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है वो इनको ऊपर नीचे लेके जाते हैं। एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ म्यूचुअल फंड का, कि म्यूचुअल फंड के अंदर आज की तारीख में अगर सिर्फ SIP की बात करूँ मैं तो 13,000 करोड़ का SIP बुक है। मतलब हर महीने SIP के थ्रू स्टॉक मार्केट के अंदर 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से खरीदी कर सकते हैं। एक लमसम, लमसम मतलब आपके पास 1 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, आपने एक ही बार पैसा डाल दिया, उसे लमसम कहते हैं। दूसरा है SIP, कि हर महीने आपने एक फिक्स डेट के ऊपर 500,000, 5,000, 10,000, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, एक फिक्स डेट के ऊपर आपके अकाउंट से पैसे कट के म्यूचुअल फंड में खरीदी होती है, उसे SIP कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के नाम से बहुत फेमस है आजकल। तो SIP का जो बुक है वो 13,000 करोड़ का है। मतलब हर महीने एवरेज 13,000 करोड़ की SIP म्यूचुअल फंड खरीदी होती है। अब वो 13,000 करोड़ कहाँ जाएंगे? स्टॉक के अंदर जाएंगे। अब किसी भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उठा लीजिए आप, अब जाएंगे यहाँ पे, आप गूगल पे जाइए, किसी भी म्यूचुअल फंड का आप स्टॉक उठाइए, उन सारे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको है ना एक कंपनी कॉमन मिलेगी। मैं यहाँ पे कुछ सारे म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ कंपनी कॉमन मिलेगी जो बैंक है। अब लार्ज कैप कंपनियां उठा ले, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, लार्ज कैप कैपिटल कंपनियां जो म्यूचुअल फंड है उनके अंदर बैंक आपको मिलेंगे, 25-30% की होल्डिंग सिर्फ बैंक के अंदर रहेगी। मिड कैप में आप जाइए, मिड कैप में भी आपको बैंक मिलेगा, स्मॉल कैप में भी बैंक मिलेगा, इवन स्मॉल कैप इन म्यूचुअल फंड भी आप देखेंगे ना तो वहाँ पे भी HDFC बैंक आपको रहेगा। म्यूचुअल फंड भले स्मॉल कैप कंपनी का हो और वहाँ पे भी 10-15% वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसमें HDFC, ICICI या कोटक महिंद्रा, कोई भी जो बड़ी बैंक है वो एक दो बैंक आपको मिलेगी। मतलब किसी भी तरह के आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए, सेक्टर फंड की और थीमेटिक फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल किसी भी फंड की बात कर रहा हूँ। आप हाइब्रिड फंड ले लीजिए, ठीक है, आप इक्विटी फंड ले लीजिए, आप फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, सिर्फ थीमेटिक फंड और सेक्टर फंड को छोड़ के, क्योंकि अगर फार्मा सेक्टर है तो ऑब्वियसली फार्मा सेक्टर में बैंक नहीं आएगा, बाकी सारे म्यूचुअल फंड के अंदर बैंकिंग रहेंगे, बैंकिंग के स्टॉक रहेंगे और जो सबसे बड़े बैंक है वही रहेंगे। तो अगर मैं 13,000 करोड़ सिर्फ SIP बुक का गिनता हूँ, दो दिन हम छुट्टी, 22 दिन मार्केट में काम होता है, हम दो दिन की छुट्टी गिन लेते हैं,
कभी छुट्टी हो गया कुछ हो गया, 20 दिन काम होता है, 20 दिन के अगर मैं 13,000 करोड़ को 20 दिन से डिवाइड करूँ मैं, तो एक दिन का अंदर आता है 650 करोड़। ठीक है, तो हर महीने दिन का होता है 650 करोड़। मैं आपको यहाँ पे गिन के दिखा देता हूँ, 13,000 / 20 650 करोड़ होता है। उसका अगर मैं 20% भी गिनता हूँ कि जो बैंक में इन्वेस्टमेंट होता है, तो 130 करोड़ हर रोज बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है सिर्फ SIP के थ्रू। अब म्यूचुअल फंड की एक बात बताता हूँ मैं आपको, म्यूचुअल फंड में खरीदी कैसे होती है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस म्यूचुअल फंड का भी है। मैं एक सब ब्रोकर हूँ, सेबी रजिस्टर सब ब्रोकर हूँ, सेबी रजिस्टर म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे होता है। कई फंड मैनेजर से भी हमारा मिलना होता है जो हमें गाइड करते हैं, हमें सिखाते हैं कि मार्केट में किस तरह लोग बड़े प्लेयर या फंड मैनेजर इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अब म्यूचुअल फंड का 90% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड में अगर आज आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, तो फंड मैनेजर की मजबूरी है कि उसे आज के आज ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मार्केट 52,000 के टॉप पे भी सेंसेक्स खड़ा हो, 62,000 के टॉप पे भी, तो भी उसको आज के आज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एज फॉर सेबी गाइडलाइंस, जो सेबी का रूल्स है म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए, कि अगर कोई बंदा आज इन्वेस्ट करता है तो आज के आज उसको NAV लेके देनी है। तो आज के आज आपका पैसा आज इन्वेस्ट उसे मार्केट में करना है, 5% पैसा भले वो अपने पास रख सकते हैं, बाकी सारा पैसा उनको आज के आज ही इन्वेस्ट करना है। तो वो ये नहीं देखेंगे कि कोई सपोर्ट टूट रहा है या रेजिस्टेंस टूट रहा है या क्या टूट रहा है, वो ये सब चेक नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं कि आज के आज ही उसे इन्वेस्ट करना है, या उसको पता है कि जैसे कि यहाँ पे ये तो 5 मिनट का खैर चार्ट है, मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ बैंक निफ्टी, जैसे कि ये हाई है। अब वो फंड मैनेजर है तो उसको पता है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, 12-13% नीचे आया, 12% भी गिन के चलते हैं, तो उसको पता है भाई यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। अगर एक रैली मार्केट ने यहाँ से दिया है बैंक निफ्टी ने 17-18% का, तो ऑब्वियसली 5% नीचे आएगा, वो फंड मैनेजर को भी पता है। तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि आपने पैसा दिया तो 5 दिन रुक जाए कि थोड़ा डीप में खरीद सके, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। उसकी मजबूरी है कि आपने अगर यहाँ पे टॉप पे भी अगर उसको पैसा दिया है ना, तो वो पैसे को आज के आज उसे इन्वेस्ट करना है। और अगर आप उससे पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, और मार्केट नीचे है, तो वो भी आपको बोलने नहीं आएगा कि भाई मार्केट नीचे है आप पैसा मत निकालो। मार्केट कितना भी नीचे है, जैसे कि कोरोना में हम देख लेते हैं, ये कोरोना में यहाँ पे मार्केट है यहाँ पे, तो भी वो आपको मना नहीं करेगा कि मैं भाई मार्केट नीचे है मैं पैसा नहीं दूंगा। आप जैसे पैसा मांगेंगे आज के आज उसे स्टॉक बेच के आपको पैसा देना है। तो 130 करोड़ सिर्फ बैंक के अंदर जा रहे हैं, और बैंक में भी बहुत सारे छोटी छोटी बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ, यस बैंक ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ी बैंक है उसके अंदर बड़ा पैसा जा रहा है, क्योंकि उनको एग्जिट भी लेना होता है। अगर आप पैसा मांगेंगे तो उन्हें तुरंत बेच के देना होता है, कोई छोटा बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेच ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा माल लेगा कौन फिर। तो आप ये समझिए कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में मैं SIP की बात कर रहा हूँ कि SIP के थ्रू हर दिन 130 करोड़ रुपए जा रहा है। लमसम की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आज किसी ने 1,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, कल किसी ने 2,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, कितना रोज का इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड का ग्राफ आप देखेंगे तो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, तो बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये सिर्फ एक म्यूचुअल फंड का SIP पोर्शन की बात बता रहा हूँ मैं, LIC अलग है, LIC के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी स्टॉक मार्केट में ही होता है, इंश्योरेंस कंपनियाँ है, FII है। आज म्यूचुअल फंड बताओ, लास्ट अगर आप डेटा जाके देखेंगे 1 से 1.5 साल में फॉरन FII ने इतनी बिकवाली की है, 3 लाख करोड़ की तो करीब बिकवाली की है, और उसके सामने म्यूचुअल फंड ने उससे भी ज़्यादा खरीदी की है। इसलिए वर्ल्ड के सारे मार्केट गिर गए, पर अपने मार्केट को कुछ हो नहीं रहा है, जहाँ था वहीं है, टॉप से 6-7% नीचे आया और ज़्यादा कुछ नहीं है। देखना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट कितना, अगर निफ्टी है तो यहाँ पे देख लेते अपन टॉप से कितना नीचे आया, 10% के करीब नीचे आया, 10-11%। ठीक है, लेकिन आप वर्ल्ड के मार्केट को देखिए क्या हालत है, क्योंकि वो बेच रहे और हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड का SIP बुक के बारे में बताया, लमसम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो जब इतने बड़े पैमाने पे रोज की खरीदी हो रही है, तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे अटक गया, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये क्या होगा वो क्या होगा, ये सब के चक्करों में आप मत पड़िए।
काम करते हैं, नो डाउट कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस टूटा तो आपको यहाँ पे ये बाय करना है, ठीक है, काम करता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करता, पर इन सब के चक्करों में मत पड़िए। आप ट्राई करिए कि एक बड़ा एवरेज पकड़ने की, कि एवरेज में मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर आप पाँच मिनट का अगर कैंडल देखते हैं तो ये एक सिंपल बता रहा है कि भाई लास्ट ये डे, ये जो ब्रेक लाइन दिख रहा है वो डे है। तो एक दो तीन चार पाँच, लास्ट पाँच दिन में देखोगे तो मार्केट एक ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें यहाँ पे कॉल ही बाय करना है, हमें यहाँ पे पुट बाय नहीं करना है। कुछ लोग एक एक मिनट पे पाँच पाँच मिनट की कैंडल लगा के बताते हैं ये सपोर्ट यहाँ पे रुक गया तो मार्केट ये हो जाएगा, यहाँ पे गिर गया तो ये हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। जब रोज के करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो रहा है बैंक के अंदर, बैंकिंग स्टॉक के अंदर, तो पैसा कहाँ जाएगा? वो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के एंटर या एग्जिट नहीं होगा। आपको एक एवरेज पकड़ना पड़ेगा। जैसे पाँच मिनट के टाइम फ्रेम में ये 200 पीरियड का एवरेज है। 200 पीरियड में क्या होता है, लास्ट तीन दिन में क्या हो रहा है ना, उसका एवरेज बता रहा है कि भाई लास्ट तीन दिन में मार्केट ऊपर की तरफ है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं कॉल बाय करूँ ना कि पुट बाय करूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और बहुत स्पीड में ऊपर जाना चाहिए अगर आप कॉल बायर है। तो अगर आप इंट्राडे में काम करना चाहते हैं या पोजीशन भी लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, आप कितना भी स्प्रेड बनाइए, ये बनाइए वो बनाइए, कुछ नहीं होगा जब तक आपको डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। और डायरेक्शन कौन बनाता है? ये बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशनल है वो बनाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि तीन चार दिन का एवरेज कहाँ जा रहा है। जैसे ये 200 पीरियड के एवरेज के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि बाइंग ज़्यादा है सेलिंग से, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बिकवाली भी होती है ना, हर रोज लोग पैसा भी निकालते हैं। और जो आप, अगर आप खुद का भी आपका म्यूचुअल फंड चल रहा होगा तो आप लेवल देख के नहीं करते कि आज ये यहाँ पे 42,100 पे मार्केट खड़ा है तो आज मैं ले लेता हूँ म्यूचुअल फंड, कल मैं बेच दूंगा, इस तरह से कोई नहीं करता है। हर मंथ की, अगर SIP हर मंथ की ऑटोमेटिक जो डेट आपने रखा है उस डेट पे मार्केट के अंदर पैसा जाता रहता है, जिसको जरूरत होता है वो बेच देता है यूनिट, और बेच के उसको पैसा मिलता रहता है। तो आप एवरेज पकड़ने की कोशिश करिए, ना कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के चक्रों में उलझे रहिए कि यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लिया, ये यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे टकराएगा फिर इसके नीचे आएगा, ये सब ठीक है, होता है, पर इतना इसके पीछे इतना भी पागल मत होइए। आप एवरेज पे काम करने की कोशिश करिए कि एवरेज क्या बोल रहा है। अगर 200 पीरियड का जो मूविंग 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज लगा के रखे है, 200 पीरियड मतलब लास्ट तीन से चार दिन, दो तीन दिन में अगर खरीदारी है, इसका मतलब क्या, स्टॉक ऊपर जाए, इंडेक्स ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा है। कौन कहाँ पे पोजीशन बना के रखा है, क्या कर रहा है, इन सबको चक्रों में मत पड़िए, क्योंकि बहुत बड़ी गेम है, कोई नहीं समझ सकता क्या हो रहा है ना, उस पर फोकस करिए, क्या होगा वो मत देखिए, भगवान बनने की कोशिश मत करिए। प्राइस को फॉलो करिए, प्राइस क्या बोला, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है तो मैं भी ऊपर जाऊंगा, और थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम का चार्ट देखिए तब अंदाजा आएगा। ये छोटे छोटे पे आप काम मत करें, ये इसके चक्रों में मत पड़िए कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कुछ को पाँच मिनट के कैंडल पे नहीं मिलता तो सीधा एक मिनट के ऊपर आ जाता है, एक मिनट के कैंडल के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। एवरेज, और इसलिए भी पकड़ना एवरेज जरूरी है कि जैसे कि उनको 100 करोड़ रुपया आज HDFC बैंक में डालना है, तो 100 करोड़ एक ही झटके में नहीं डालते। अगर 100 करोड़ डालना है तो वो क्या करेंगे, उसमें से 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़ का ऐसा गैप बनाएंगे और हर 10 मिनट पे 5 मिनट पे 5-5 करोड़ रुपये वो इन्वेस्ट करते रहेंगे। या आज उनको अगर HDFC में 100 करोड़ डालना है तो एक साथ नहीं डाल देंगे, क्योंकि आप उनके 100 करोड़ डालने से HDFC ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो वो ट्राई करेंगे कि 5-5 मिनट के या 10-10 मिनट के गैप के अंदर वो सेट कर देंगे डिस्क्लोज क्वांटिटी। जैसा आप कभी शेयर लेंगे तो वहाँ पे बताएंगे, आप बताया था आप, तो उस हिसाब से वो खरीदी करते हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम में हर 5 मिनट में 5 करोड़ जा रहा है और एंड ऑफ द डे वो 100 करोड़ की खरीदी हो जाएगी उनकी, क्योंकि उतना बड़ा पैसा उनके डालने से स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो अब जाइए और जाके देखिए, हर एक म्यूचुअल फंड को जाके देखिए, उसके अंदर बैंकिंग स्टॉक मिलेगा करीब 20-25-30%, किसी किसी में तो 25-30% से भी ज्यादा होगा, जिसमें बैंक के अंदर उनकी होल्डिंग रहती है, ठीक है।
स्मॉल कैप के अंदर HDFC बैंक मिलेगा आपको, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर HDFC ICICI ये सब बैंक, एक दो बैंक मिल ही जाएंगे आपको। लार्ज कैप की तो बात ही छोड़ दो, लार्ज कैप में तो 30-40% की होल्डिंग होती है। तो ये सपोर्ट रजिस्टर पर काम करिए, पर मेन कोशिश करिए कि आप एवरेज को पकड़े कि एवरेज क्या बोल रहा है कि हाँ देखिए जैसे ये एक दो दिन से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आया, आज भी नीचे आया, तो हो सकता है कि नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आप कॉल बाय करने की ट्राई मत करिए या एवरेज को पकड़ के ट्राई करिए, एवरेज पे काम करिए, एवरेज को देखिए, उसके बाद आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या क्या देख रहे हो वो देखिए, ज़्यादा इंडिकेटर के चक्करों में मत पड़िए, मूविंग एवरेज इनफ है अगर आप उसको सीखते हैं। एज अ सब ब्रोकर मैं SEBI रजिस्टर सब ब्रोकर हूँ, हजारों क्लाइंट हमारे नीचे काम करते हैं जिनका डीमैट मैं देखता हूँ, उनका प्रॉफिट लॉस मुझे पता चलता है। 6 महीने लोग एंटरटेन करते हैं, बाद में बंद करके चले जाते हैं। कुछ ही सीरियस लोग हैं जो काम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और बैंक निफ्टी में बहुत टफ होता है काम करना। तो अगर करते हैं तो सिस्टम के साथ करिए, ये रोज रोज प्रिडिक्शन मत करिए कि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, अब यहाँ पे 42,200 पे सपोर्ट लिया है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ निकलेगा नीचे, इतना कुछ नहीं होता भाई। जब वह 100 करोड़ का सौदा पड़ता है ना, तो कोई सपोर्ट कोई रजिस्टेंस काम नहीं करता है, वो तोड़ के ऊपर निकलता है। अब जाइए, अब जाके चेक करिए कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। MFI के वेबसाइट पे जाइए, MFI पे पता चलेगा कि SIP बुक कितनी है, लमसम खरीदारी म्यूचुअल फंड के थ्रू कितनी हो रही है। LIC कंपनी का LIC को देखिए, LIC का पोर्टफोलियो देखिए, इंश्योरेंस कंपनियां कहाँ पैसा डाल रही है। जब वो डेली बेस पे डाल रही है तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना कुछ मैटर नहीं करता। हाँ, स्टॉक नीचे आते हैं, क्यों नीचे आते हैं, क्योंकि बिकवाली भी होती है, लोग पैसे भी निकालते हैं, तो एक फ्लो होता है, ठीक है। इंडेक्स हो या कुछ भी हो, ऊपर कब जाएगा, जब खरीदारी ज़्यादा होगी। टोटली गेम डिमांड एंड सप्लाई का है, डिमांड बढ़ेगा खरीदारी बढ़ेगी, स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी स्टॉक या इंडेक्स नीचे आएगा। तो अब एवरेज देखिए कि 4-5 दिन के एवरेज में क्या हो रहा है भाई। अब यहाँ पे देखेंगे तो 4-5 दिन का एवरेज ऊपर जा रहा है, तो आप कॉल बाय करिए, चांसेस ज़्यादा है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है अभी ये नीचे की तरफ काट के निकल जाए, तो पुट बाय करिए, क्योंकि एवरेज नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे बिकवाली आ रही है। तो आप इस तरह से अलग तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करिए कि इंडेक्स ऊपर क्यों जा रहा है। ऊपर जा रहा है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशनल खरीदी कर रहे हैं, ना कि आपके या मेरे 100-200 करोड़, कोई 1 करोड़ की एंट्री मार रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो उससे वो स्टॉक ऊपर जाएंगे, या कोई कॉल के अंदर पोजीशन बना रहा हो, कोई पुट के अंदर पोजीशन बना रहा हो, कोई कॉल राइटर हो, उससे पोजीशन ऊपर नीचे नहीं जाती। तो आप फॉलो करिए, आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पे नीचे जा रहा था, मार्केट एवरेज से नीचे काम कर रहा है, एक दिन 2-3-4-5 दिन कंटिन्यू नीचे आया। यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर था, लोग पैसे निकाल रहे होंगे, तो मार्केट नीचे आ रहा, तो यहाँ पे आप पुट बाय करिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर आप एवरेज को फॉलो करिए कि एवरेज में क्या हो रहा है यहाँ पे, ना कि छोटे छोटे यहाँ पे ये सपोर्ट ले लिया, मुझे लग रहा है कि 42,000 पे खड़ा हो गया तो ये हो जाएगा, 42,000 के नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे ये है कि मैं 42,000 का मुझे सपोर्ट दिख रहा है, इसके नीचे ये यहाँ पे आके यहाँ पे गिर जाएगा, अरे भाई अगर उसने 5,000 करोड़ का बेचना होगा ना, तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, वो सट्ट करके नीचे चला जाएगा। तब एवरेज पे काम करेंगे, भाई एवरेज क्या बोल रहा है, 1-2 दिन अगर मुझे इंट्राडे खेलना हो तो 1-2 दिन का एवरेज क्या बोल रहा है। अगर एवरेज ऊपर की तरह है तो संभावना ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर एवरेज नीचे की तरह है तो स्टॉक या इंडेक्स नीचे की तरफ जाएगा। तब ट्राई करिए एवरेज के ऊपर खेलने की, कि 2-3 दिन का अगर फ्लो ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, 2-3 दिन का फ्लो अगर नीचे की तरफ होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं करते, पर इतना भी उसके पीछे पागल मत होइए। देखो कि यहाँ पे था, मैंने यहाँ ड्रॉ किया तो यहाँ पे आके 1-2 कैंडल बना के ऊपर गया, हाँ कम काम करता है। आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे ना कोई लाइन आपको पकड़ लेगा और आपको बताएगा, हाँ भाई यहाँ से ऐसा हुआ। अब मैं यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, ये यहाँ पे ले रहा था, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे टकरा के नीचे आया,
आप कर सकते हो ये सब, ठीक है। लेकिन अगर आपको लंबा पैसा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, आप वो ट्राई करिए। किसी दिन बताऊंगा मैं कि किस तरह आपको म्यूचुअल फंड के अंदर जाके होल्डिंग चेक करनी है, कौन से स्टॉक के अंदर कितनी होल्डिंग है। अब ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में देखेंगे 8% 10% एक सिंगल स्टॉक के अंदर, और वो भी बैंकिंग स्टॉक के अंदर होगा। HDFC के अंदर 9% किसी म्यूचुअल फंड ने खरीदी करके रखी है, किसी में 5% 10% तक खरीदी करके रखी है। अब जाके चेक करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि कितना बड़ा पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो वो ये सब सपोर्ट रजिस्टर नहीं देखते। तो कोशिश करता हूँ आप सीखिए और सही तरीके से सीखिए और सही चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं एक फंड मैनेजर से मिलता हूँ, पर्सनली मैं नहीं जानता, पर एज अ मीटिंग में हम जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ मैं। वो समझाते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है, उनका स्टॉक लेने का तरीका क्या है, सेक्टर एलोकेशन क्या था। इतनी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, 50-50, 67,000 करोड़ एक एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, जो 5% का भी गारंटी नहीं देते। सोचो आप, जो मार्केट मेकर है, जो मार्केट बनाते हैं, वो 5% की भी गारंटी नहीं देते। और आप दुनिया के सबसे टफ माइंड के साथ काम कर रहे हो। तो एकदम सिंपल रहिए, एवरेज को पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जो 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो रात दिन ये सब नहीं कर रहा है, वो फंडामेंटल देख रहा है। वो टेक्निकल देख के पैसा नहीं डालेगा, वो ये नहीं देखेगा कि भाई मारुति का चार्ट ऊपर जा रहा है तो मैं मारुति में इन्वेस्ट करूं, जैसे एक एग्जांपल देता रहा हूं। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कि भाई मारुति का स्टॉक कहाँ पे खड़ा है, ये एवरेज पे आ गया तो मैं यहाँ पे 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करूं, वो ये सोच के नहीं करेगा। एक फंडामेंटल एनालिस्ट जिसको बड़ा पैसा डालना है, जो मार्केट मेकर है, वो टेक्निकल देखते हैं पर इतना नहीं देखते, वो फंडामेंटल देखते हैं। टेक्निकल फंडामेंटल को कॉपी करता है, ठीक है, कि फंडामेंटल वाला क्या कर रहा है बंदा। फंडामेंटल के थ्रू वो क्या देखते हैं कि भाई कंपनी है ये मारुति है, तो उसका फ्यूचर क्या, आने वाले 10-15 साल ये कंपनी जिंदा रहेगी? क्योंकि मैं 5 से 10 हज़ार करोड़ अगर एक कंपनी में डालता हूँ, कल उठ के कंपनी बंद हो गई तो टेक्निकल के ऊपर तो कंपनी नहीं चलेगी ना। वो ऑर्डर बुक देखेंगे, कौन से सेगमेंट के लोग इनकी गाड़ियाँ लेते हैं, कौन से स्टेट में या कौन सी कंट्री में इनकी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती है, कौन सी गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा बिकती है। जैसे मारुति की बात करें तो 2002 में स्विफ्ट आई थी, आज तक सक्सेसफुल गाड़ी है। कितना यूनिट ये बेच सकते हैं, सेगमेंट कौन है, कौन लोग लेते हैं, अमीर लोग लेते हैं, गरीब लेते हैं, मिडिल क्लास लोग लेते हैं, इनका टारगेट ऑडियंस क्या है, वो सब कुछ स्टडी करते हैं, उसके बाद उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो वो सिर्फ चार्ट वाट नहीं देखते। तो जब वो फंडामेंटल देख के अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने के से वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, और हम टेक्निकल वाले क्या करते हैं कि वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप टेक्निकल चार्ट देख रहे हो तो फिर ये डेटा वो डेटा वो डेटा मत देखो, फिर सिर्फ चार्ट देखो और एवरेज पकड़ने की कोशिश करो। तो कोई लोग ऑप्शन चेंज खोल के बैठ जाते हैं, ये चेंज खोल के बैठ जाते हैं, सब खोल के बैठ जाते हैं, पैसा 1 रुपये नहीं कमाते। ऐसा सब ब्रोकर बोल रहा हूँ क्योंकि हजारों लोगों का अकाउंट मैं देखता हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, सेबी रजिस्टर सब ब्रोकर हूँ मैं। तो आप भी सीखिए, ट्राई करिए एवरेज के ऊपर काम करने के लिए। चीज़ें फंडामेंटल से चलती है, टेक्निकल के अंदर आसान होता है चीज़ों को पकड़ने के लिए कि भाई ऐसे प्राइस में आपको पता नहीं चलता, पर टेक्निकल चार्ट में आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, विजुअल हमें दिखता है, तो हम ऊपर की तरफ पकड़ने की कोशिश करते हैं। लोग गुजवा के उलझन में क्या पड़ जाते हैं कि टेक्निकल चार्ट भी देखते हैं, उसके अलावा डेटा भी देखते हैं। दोनों चीज़ों को देखने की कोशिश मत करिए। या तो आप डेटा देख रहे हैं तो फिर डेटा के थ्रू जाइए, आप चार्ट देख रहे हैं तो चार्ट की तरफ, चार्ट को समझिए। हर चीज के अंदर आप हर चीज को मिक्स मत करिए कि मैं फंडामेंटल भी जानता हूँ फिर ये देख लेता हूँ फिर उसके बाद चार्ट के, क्योंकि फंडामेंटल के स्टॉक लेने के तरीके अलग होते हैं, चार्ट के भी आप स्टॉक लेने के तरीके अलग होते हैं, पर चलता सब कुछ फंडामेंटल से ही है। चार्ट हमें खाली रिफ्लेक्ट करता है कि भाई कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब कोई बड़ा आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, उसको पता है कि भाई कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है, उसके लेने से स्टॉक चल रहा है। स्टॉक चल रहा है तो अगर स्टॉक इंडेक्स के अंदर होगा तो वो इंडेक्स भी चलेगा,
जैसे हम बैंकिंग बैंक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा तो बैंक चलेगा, बैंक चलेगा तो बैंक निफ्टी चलेगा। तो आप इन चीज़ों को समझिए और एवरेज पे काम करने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।